नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। झारखंड में 9वीं से पीएचडी तक के संस्कृत छात्रों को हर साल मिलेगी 5 से 25 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति। जुलाई में डीबीटी के जरिए होगा भुगतान। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा और देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा के विकास और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। केंद्र मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ावा देने के लिए संस्कृत पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को सालाना छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। 9वीं से पीएचडी तक के संस्कृत छात्रों को प्रति वर्ष 5 हजार से 25 हजार रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदक विद्यार्थियों के लिए शर्त है कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होगा। कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक या अन्य माध्यम से भेजने पर विचार नहीं होगा। इंटर तक के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केवल संस्कृत विषय के अंकों के आधार पर वरीयता क्रम तैयार किए जाएंगे, परंतु संस्कृत ऑनर्स के लिए पूर्व के सभी विषयों के पूर्णांक पर वरीयता क्रम निर्धारित होंगे। छात्रवृत्ति उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनका पिछली कक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में 100 अंकों की संस्कृत भाषा ली गई हो। संस्कृत भाषा की परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्र का न्यूनतम 60% अंक हो, ओबीसी छात्र के लिए 55% और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग श्रेणी के लिए 50% अंक अनिवार्य है। जुलाई में डीबीटी के जरिए होगा भुगतान। छात्रवृत्ति इस तरह दिया जाएगा, 5,000 रुपये 9वीं और 10वीं के लिए, 6,000 रुपये 11वीं और 12वीं के लिए, 8,000 रुपये स्नातक के लिए, 10,000 रुपये पीजी के स्टूडेंट के लिए और 25,000 रुपये पीएचडी या उसके समकक्ष के लिए है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, 4 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। झारखंड में सुबह से ही बादल छाया हुआ है, हालांकि धुंध है लेकिन लोगों को कनकनी से राहत है। न्यूनतम तापमान में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 3 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छाने के बाद भी रांची के तापमान में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आएगी। अगले 3 दिनों तक रांची का औसत न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और औसत उच्चतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी है, इसी के कारण राजस्थान में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके असर रांची समेत पूरे झारखंड अन्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को भी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, इस दौरान धुंध भी छाया रहेगा। मंगलवार को राज्य में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हालांकि बारिश की संभावना अधिक नहीं है, इस दौरान मात्र 4% ही बारिश होने की संभावना है, लेकिन आंशिक बादल छाए रहने से ठंड बढ़ने की उम्मीद है। दिन में आर्द्रता 52% और रात में आर्द्रता 76% रहेगा। झारखंड में मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए पोर्टल पर नहीं दिख रहा है लिंक, 2 जनवरी से भरा जाना था परीक्षा फॉर्म। झारखंड अधिविद परिषद की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के फॉर्म भरने से संबंधित बड़ी लापरवाही सामने आई है। 30 दिसंबर को जैक ने कहा था छात्र 2 जनवरी से जैक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन रविवार तक जैक की वेबसाइट पर मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लिंक नहीं दिया गया है। इंटरमीडिएट के लिए लिंक दिया गया है तो वह त्रुटिपूर्ण है, विद्यार्थियों का चेक लिस्ट प्रिंट नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थियों का डिटेल्स पोर्टल पर दिख रहा है वह 11वीं की परीक्षा के लिए परिषद की ओर से जारी प्रवेश पत्र से अलग है। उक्त डिटेल्स में 11वीं की परीक्षा में अंकित विद्यार्थी का नाम, उनके माता पिता का नाम एवं अन्य जानकारी सही रहने के बावजूद 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए परिषद के पोर्टल पर दिए गए विवरण में त्रुटि है। मरांग गोमके की जयंती पर 5 सूत्री प्रस्ताव पारित। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती महोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में मनाई गई। इस दौरान उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का पाठ अधिवक्ता महेंद्र पीटर तिग्गा की अगुवाई में सामूहिक रूप से पढ़ी गई। मौके पर 5 सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें कचहरी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम का सौंदर्य करना, अब्दुल बारी पार्क बनवाना, संविधान विशेषज्ञ के रूप में मरांग गोमके के नाम पर झारखंड हाईकोर्ट और झारखंड भर के कोर्ट लाइब्रेरी को उनका नाम देने की बात कही गई। इसके अलावा सिरमल टोली चौक को मरांग गोमके चौक नामांकन करने, चौक पर प्रतिमा लगाने, शोधकर्ता व सजग नागरिकों के साथ टक्कर बाप्पा कमेटी संविधान सभा के साथ मरांग गोमके के बारे में एक राज्य स्तरीय योजना करने व जयपाल सिंह के जन्मदिन व पुण्यतिथि पर आयोजन जारी रखने के अलावा पूरे झारखंड में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम करने की मांग की गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण के अब 1624 एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 137 नए संक्रमित। झारखंड के विभिन्न जिलों से रविवार को 137 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। 159 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं गुमला में 1 मरीज की मौत हुई है। अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 115,392 हो गई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 112,734 पर पहुंच गई। राज्य में अब 1624 मरीज एक्टिव हैं।
कहां कितने मरीज मिले हैं आइए जानते हैं। बोकारो से 3, चतरा से 1, देवघर से 4, धनबाद से 9, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 16, गढ़वा से 4, गुमला से 5, हजारीबाग से 4, जमताड़ा से 5, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, पाकुड़ से 2, पलामू से 4, रामगढ़ से 1, रांची से 17, साहिबगंज से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 3 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।